ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे जनरल साइंस लेक्चर सीरीज का थर्ड लेसन है और इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं. इन दिस लेसन वी विल बी डीलिंग विद द स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ द सेल. इन दिस लेसन वी विल बी डीलिंग विद द स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ द सेल. सो ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू द टॉपिक हैव बीन कवर्ड इन दिस लेसन. तो सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में. और अक्सर एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसके बारे में, जैसे कि उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है. और उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, उसके बाद आपका वैक्यूल. तो ये सारे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, राइबोसोम, ये सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे. डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स का अलग अलग. ओके फ्रेंड्स, तो पहले इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको सेल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं. तो पहले मैं ये आपको सारे फैक्ट्स बता देता हूँ, ठीक है. उसके बाद अलग से जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इसके, उनके बारे में हम अलग से सारी डिटेल एनालिसिस करेंगे. तो जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है, सबसे ऊपर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको बोला जाता है सेल. जो कोशिका होता है वो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है, या आप कह सकते हो जीवन का मूलभूत आधार, ठीक है ना. तो आप देखो, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज याद कर लो. जैसे कि पहला फैक्ट है आपके पास कि जो सेल होता है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. जो सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में, एंड ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस. कॉर्क स्लाइस जो था एक्चुअली वो प्लांट सेल का डेड सेल वॉल था. तो इन्होंने सबसे पहले जो सेल की खोज की थी वो था डेड सेल वॉल एक प्लांट सेल का, ठीक है. और इन्होंने इसकी खोज प्रिमिटिव, एक बहुत ही पुराने जो इन्होंने खुद बनाया था, उस माइक्रोस्कोप की सहायता से इस सेल वॉल का खोज किया था. फिर देखिए 1674 में ल्यूवेनहॉक ने क्या खोजा, फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर. पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में, इन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की ल्यूवेनहॉक ने. तो देखिए, अब एग्जाम में अगर आया कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो अगर सबसे पहले पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की, तो वो थे रॉबर्ट हुक. लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके आ रहा है कि लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो वो थे आपके ल्यूवेनहॉक, ठीक है. लिविंग सेल की खोज अगर पूछेगा तो वो थे ल्यूवेनहॉक. और अगर सिर्फ लिखेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक, ठीक है. तो आप कन्फ्यूज मत होना, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइमलाइन लिख दी है. अब देखो, उसके बाद 1831 में आपका जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है. न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. यहाँ पर ये जो डेट्स लिखी हुई ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि टाइमलाइन आपको क्लियर रहे. अभी मैं आपको और अच्छी टाइमलाइन आगे दिखा दूंगा, ठीक है. तो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी. तो देखिए, उसके बाद फाइनली पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया. किसको प्रोटोप्लाज्म बोला उन्होंने, किस चीज़ को बोला प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर एक फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है, द्रव पार्ट जो होता है उसको बोला उन्होंने कि ये प्रोटोप्लाज्म है. ये किसने बोला था, ये बोला था पुरकिंजे ने, ठीक है. उसके बाद फ्रेंड्स, जो शेल्डन और श्वान थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने दिया शेल थ्योरी. बाद में इन्होंने शेल थ्योरी दी, और शेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कि जितने भी पादप हैं, जितने भी पौधे या जंतु हैं, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, कोशिका से मिलकर बने हुए हैं. और उनकी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो है कोशिका. सबसे पहले होगा कोशिका, और फिर कोशिका मिलकर के कुछ बना रहा होगा, फिर फाइनली एक पादप या प्लांट या एनिमल बनता है, ठीक है. तो सबसे बेसिक यूनिट है वो है कोशिका. ये किसने कहा, ये सेल थ्योरी में बोला गया, ठीक है, श्वान की जो सेल थ्योरी थी. तो फाइनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई 1940 में. तो आई होप इतनी बात आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे. अब देखिए, इन सारे फैक्ट्स को याद करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी टाइमलाइन भी यहाँ पर बना दी है. आप इस टाइमलाइन की मदद से ये सारे फैक्ट बहुत इजी वे में याद कर सकते हो. जैसे कि सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल का, डेड प्लांट सेल वॉल को ढूंढा, ठीक है. फिर देखो 1674 में ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की. फाइनली 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की. उसके बाद पुरकिंजे ने साइटोप्लाज्म टर्म दे दिया, जो द्रव पार्ट था सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो द्रव पार्ट था उसको साइटोप्लाज्म किसने बोला, पुरकिंजे ने. तो ये टाइमलाइन भी आप याद रखना. ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो इसमें आप देखो, आगे मैंने एक आपको फिगर बता दिया. इस फिगर में ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, और इसमें हम लोगों ने ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्म, ये सारा ही, अब आप इसमें एक बार विजुलाइज कर लो. लेट मी शो यू.
देखो यहां पर जो ये सबसे बीच में है, ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस, और इसमें आप देखो ये जो फ्लूइड पार्ट भरा हुआ है ब्लू कलर का, इसको आप बोलोगे साइटोप्लाज्म। उसके बाद आप यहां देखो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं माइटोकांड्रिया, और माइटोकांड्रिया के जस्ट ऊपर आप देखो तो लाइसोसोम मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। अब ये सारी बातें हम अलग से करेंगे कि इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं या माइटोकांड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरीके के होते हैं, रफ एंड स्मूथ, इनके बारे में भी हमने अलग से बात की है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप विजुलाइज कर लो सिर्फ, ठीक है। तो आप देखो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका यहाँ अंदर की तरफ है, और जो स्मूथ है, जो सॉफ्ट पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये आपका रेड कलर में देखो आप बाहर फैला हुआ है इस तरह, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का मैंने आपको बता दिया साइटोप्लाज्म है, और सेंट्रोसोम है आपका यहाँ पर देखिए विथ टू सेंट्रोल्स, ये आपका सेंट्रोसोम है। तो ये सारी बातें हम अलग से अभी करेंगे। देखो गाल्गी एपरेटस यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने आई होप ये सारी चीज़ें विजुलाइज कर ली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इन सारे ऑर्गेनल्स का नाम देख लेते हैं और इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके कारण ये ऑर्गेनल्स जाने जाते हैं, वो पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे आप पहले देखो कि यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपका होता है आउटर मोस्ट परमिएबल कवरिंग ऑफ द सेल। परमिएबल मतलब कि जो चीज़ों का आना जाना, इसके जो ये मेम्ब्रेन है ये एक झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। तो ये पहले तो आउटर मोस्ट होता है पार्ट ऑफ द सेल, आप कह सकते हो सबसे बाहर का पार्ट होता है, और ये परमिएबल होता है, मतलब परमिएबल मतलब चीज़ें आसानी से अंदर बाहर आ जा सकें, ठीक है। उसके बाद इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। आप सपोज करो कि ये सेल है, तो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और इसके अंदर जो सेल के अंदर की चीज़ें हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेपरेट कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। कि तो आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया हमने, अब सेल वॉल देखते हैं। तो जो सेल वॉल होता है ये आपका सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, इट ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर होता है, मतलब आप कह सकते हो इट इज़ अ नथिंग बट अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होता है प्लांट सेल्स के लिए जो सेल वॉल होता है। इसके बारे में भी हम अलग से भी और अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद फ्रेंड जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन क्रोमोजोम्स, ठीक है। न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स आपको पता होगा, और क्रोमोजोम्स के अंदर आपको पता होगा कि डीएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो अभी आगे मैं आपको दिखा दूंगा फिगर में। उसके बाद जो हम फोर्थ चीज में पढ़ेंगे वो है आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। इट इज़ नथिंग बट फ्लूइड कंटेंट, ठीक है, ये फ्लूइड कंटेंट होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी द्रव पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे सेल और ऑर्गेनल्स, जो और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसा कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल। तो इन सब के बारे में हम अलग से बात कर लेंगे, ठीक है, आगे के लेक्चर में। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और आपको फिगर में दिखा दिया है, आप यहाँ पर देखो विजुलाइज करने की कोशिश करो इस फिगर में। माइटोकांड्रिया आप देखो कहाँ पर है, इसमें माइटोकांड्रिया ये है आपका, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका साइटोप्लाज्म, और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ इजीली विजुलाइज कर सकते हो, इसलिए फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया है। आप सारी चीज़ें ध्यान से देख लो एक बार, क्योंकि आगे बार बार मैं सारे फिगर्स नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने फिगर देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की एनालिसिस अपनी। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज़ अ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आपका लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब देखिए मैंने आपसे पहले बताया था कि इट इज़ अ परमिएबल, ये जो झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक झिल्ली है और ये परमिएबल होती है, ठीक है। तो ये परमिएबल कहने का सेंस है, देखो अगला क्वेश्चन आप पढ़ो कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन टू द सेल। तो जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है सेल के अंदर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही द्वारा होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही थ्रू जो सब्सटेंस होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर पाते हैं, क्योंकि ये परमिएबल होता है। तो जैसे कि मूवमेंट से मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है, ये गैस है आपको पता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
across move कर सकते हैं by the process of diffusion. Diffusion के process के द्वारा ये plasma membrane के आर पार move कर सकते हैं. तो अब diffusion क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर diffusion का process भी मैंने पूरा अच्छी तरह से समझा दिया है, तो चलिए देख लेते हैं. It is the net movement of substance, ठीक है, net movement of substance from a region of high concentration to a region of low concentration. और ये क्यों मूवमेंट होता है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल. तो इसका मतलब ये हुआ, आप इजी वे में यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि आप सपोज करो कि ये या एक मीडियम है, ये एक रीजन है और ये दूसरा रीजन है, ठीक है. इस रीजन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है और इस रीजन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत लो है. तो और ये बीच में आप कंसिडर कर लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है. तो जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, ठीक है, आप कंसिडर करो ये CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है. तो इनका जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है. और ये मूवमेंट क्यों पाता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है हमारा ये परमिएबल है, ठीक है. तो ड्यू टू इट्स परमिएबल नेचर ये सारे सब्सटेंस एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव कर पाते हैं आसानी से. तो देखिए अब यही है आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस. तो यही जो मूवमेंट है, ठीक है, यही जो मूवमेंट मैंने आपको समझाया है इसी को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तब आप देखो, नाउ CO2 विच इज़ अ सेलुलर वेस्ट. जो CO2 क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ सेलुलर वेस्ट. ये वेस्ट मटेरियल है, ठीक है. सो इट रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल. तो सेल इसे क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा. तो ये कब बाहर निकालेगा, जब सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा. अब देखो आप यहाँ पे कंसिडर करो कि ये सेल है, ठीक है. अब इस सेल के अंदर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है. तो ये क्या करेगा, मैंने बताया कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो सब्सटेंस होता है वो हायर कंसंट्रेशन से, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है CO2 का, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. और मूवमेंट होता है ड्यू टू द परमिएबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो देखिए ये जो CO2 है ये इस हायर कंसंट्रेशन से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अब इसी तरह अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन की से ज़रूरत है. अब ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है. अब जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, बाहर जो ऑक्सीजन होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से अब ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव करेगा. तो देखिए यही अगली लाइन लिखी हुई है, सिमिलरली ऑक्सीजन इंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिमिलरली ऑक्सीजन इंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल और द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस. तो सेल के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज करेगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन होगा वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन से जो कि सेल के बाहर है लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ बढ़ेगा जो कि सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है. तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो यही प्रोसेस जो आपने ऊपर समझिए गैस पार्टिकल्स के लिए, गैस के लिए आपने जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा है, अगर ऐसा ही मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. तो मतलब कहने का क्या है कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बीच में कोई और हायर कंसंट्रेशन रीजन से वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है. तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सो ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन. ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं. तो अब यही जो हमने ऑस्मोसिस की प्रक्रिया देखी है वाटर मॉलिक्यूल्स के सेंस में, ठीक है, तो वो तीन तरह के सोल्यूशन बनाता है. अब तीन तरह के सोल्यूशन कैसे कौन से होते हैं, एक होता है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दूसरा होता है आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन और तीसरा होता है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है. तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वो क्या है, अगर जो मीडियम है, ठीक है, आप सपोज करो कि ये सेल है और इसके सराउंडिंग में ये जो मीडियम है, ठीक है, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, सेल के चारों तरफ का जो मीडियम है अगर वहाँ पर हाई वाटर कंसंट्रेशन है तो क्या होगा, मैंने आपको बताया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल. तो अगर मीडियम का कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा है और सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो अगर कम है, तो देखिए अगर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन वाटर कंसंट्रेशन कम है और मीडियम का ज़्यादा है तो मैंने बोला ये हाई टू लो मूव करेगा. तो यहाँ पर देखिए वाटर क्या कर रहा है, जो सेल है हमारा कोशिका हमारा वो वाटर गेन कर रहा है. तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कंडीशन में जो कोशिका होती है वो वाटर को गेन करती है, ठीक है. अब इसके बाद अगला प्रोसेस देखते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन का. देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल
hence there will be no net movement of water across the cell membrane. तो देखिए isotonic solution के केस में क्या होता है कि जो cell है, जो कोशिका है, उसके अंदर water का concentration और जो कोशिका उसके बाहर water का concentration बिल्कुल same है, ठीक है? तो यहाँ पर जो net movement होता है water का, वो zero होता है, क्योंकि जितना वो बाहर move करता है, उतना ही water अंदर move करता है cell membrane के through. तो ठीक है, इसको कहते हैं आइसोटोनिक. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, बिल्कुल उल्टी कंडीशन आप कर दीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की. यहाँ पर वाटर क्या कर रहा था, सेल जो हमारी कोशिका थी वाटर गेन कर रही थी, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में जो हमारी कोशिका होती है वो सेल वो वाटर लॉस करती है. कैसे लॉस करती है, अब यहाँ पर जो मीडियम है वहाँ पर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो लो है, ठीक है, और जो सेल है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है. तो अब वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो जब सेल के अंदर से पानी बाहर निकलेगा तो जो हमारी कोशिका होगी वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है. तो इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए अब आते हैं सेल वॉल पे. तो सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल्स अलॉन्ग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल. मैंने आपको फिगर में दिखाया था कि जो प्लांट सेल होते हैं, ठीक है, ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है. इट इज नथिंग बट अ प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और रिजिड कवरिंग होती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल, एंड इट इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज. जो सेल वॉल होता है हमारा, ये सेलुलोज से मिलकर के बना होता है. तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बता दो कि सेलुलोज क्या है, ठीक है, व्हाट इज सेलुलोज. आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के मुझे बताओ. तो देखिए अब ये जो सेल वॉल होती है वो उसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है. तो अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्लाज्मोसिस क्या होता है. तो प्लाज्मोसिस देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जो प्लांट सेल होते हैं, ठीक है, जब वो वाटर लूज करते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा, तो क्या होगा, आप खुद सोचो कि जब प्लांट सेल कोई अगर वाटर लूज करेगा तो वो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है. और जो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सिकुड़ना होता है, तो जब आप ऐसे गेस करो कि ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, इसके आगे ये सेल वॉल लगा हुआ है और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो इसके अंदर ये सारे आपका साइटोप्लाज्म और सारे ऑर्गेनल्स हैं. तो अब सपोज करो कि जब ये वाटर लूज करेगा तो अंदर से ही तो करेगा, तो जब ये अंदर से वाटर लूज करेगा तो ये और सिकुड़ जाएगा. तो अब ये कैसा हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा था, ये आपका सेल वॉल था, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये आपका साइटोप्लाज्म है. तो जब ये वाटर लूज करेगा तो ये सेल वॉल तो अपनी जगह पे ही रहता है, लेकिन ये जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिकुड़ के और अंदर आ जाता है, ठीक है. तो इस श्रिंकिंग को, इस तरीके के जो सिकुड़ना होता है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस. तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस रिजल्ट इनटू श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में, जो मैंने आपको बताया है कि इस कंडीशन में जब ये सिकुड़ जाता है तो सेल वॉल से और दूर चला जाता है जो सेल के अंदर का कंटेंट होता है. तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. तो अभी एक इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पर नोट कर लो, इस चीज़ को याद कर लो कि केवल जो लिविंग सोल्स होते हैं, ठीक है, केवल लिविंग सेल्स वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा, डेड सेल ये काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो अब देखिए सेल वॉल क्या करता है कि सेल वॉल परमिट्स सेल ऑफ प्लांट्स फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड अगेंस्ट वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, ठीक है. तो ये आपका सेल वॉल एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. तो अगला हमारा, इसमें अगला पॉइंट है न्यूक्लियस का. तो न्यूक्लियस एक दूसरा ऑर्गेनिल होता है और आप कह सकते हो इट हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. सपोज करो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर डबल लेयर्ड होती है मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. सो दिस मेम्ब्रेन हैज पोर्स, और इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके कारण जो मटेरियल होता है वो ये अलाउ कर पाता है उनका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. जैसे आप सपोज करो कि ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, तो इन पोर्स के माध्यम से न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट साइटोप्लाज्म में जा सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि दिस मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है, मैंने आपको बताया, जो द्रव पार्ट होता है सेल के अंदर, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है. तो देखिए न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम. अब क्रोमोजोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस कंटेन करता है, ठीक है, और क्रोमोजोम क्या होते हैं, इट इज़ अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. आप कह सकते हो कि क्रोमोजोम कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. तो जो क्रोमोजोम होते हैं वो आपके डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है. सपोज करो ये क्रोमोजोम है, तो ये
डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होगा, और ये आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में होता है, डीएनए में ही तो होता है, और क्रोमोजोम आपका डीएनए से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं कैरी करता है। ठीक है, यहाँ पर वही मैंने लिख दिया है आगे कि क्रोमोजोम्स आर द कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और आप कह सकते हो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसे ही हम कहते हैं जीन। ठीक है, सो द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो आप देखो यहाँ पर मैंने डीएनए का एक फिगर बना के आपको दिखाया है, विजुलाइज कर लीजिए आप। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको डबल हेलिकल बोलते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और डीएनए का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख करके बता दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिखो डीएनए का, या डीएनए और आरएनए, इन दोनों का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे आप बता दो। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए न्यूक्लियस का और क्या क्या काम है, मैं आपको बता दूं। अगर अनडिवाइडेड सेल है, ठीक है, जो अगर सेल डिवाइड नहीं हुआ है, अगर अनडिवाइडेड सेल है, तो जो डीएनए होगा वो आपका प्रेजेंट होगा क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट के रूप में। ठीक है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसके पार्ट के रूप में डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, अगर वो अनडिवाइडेड सेल है, और आप कह सकते हो इट इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मासेस ऑफ थ्रेड, जैसे इंटेंगल्ड मासेस ऑफ थ्रेड मतलब धागे। ठीक है, तो इस तरह से वो दिखेगा, अगर अनडिवाइडेड आपका सेल है, अनडिवाइडेड कोशिका है, तो वहाँ पे इंटेंगल्ड मासेस ऑफ थ्रेड के रूप में हमें डीएनए क्रोमेटिड जो मटेरियल होता है उसमें दिखाई पड़ेगा। एंड व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, और जब भी सेल डिवाइड होने जाएगा, देन द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर थे, ठीक है, जो कि आपके प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने हुए थे। तो आप कह सकते हैं हेंस जो न्यूक्लियस है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए, उसका जो फंक्शनल सेगमेंट है वो है जीन। आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स है, इसके अंदर आपके डीएनए पाए जाते हैं, यहाँ पे आपके फंक्शनल सेगमेंट का है जीन है। ठीक है, तो आपका जेनेटिक मटेरियल कौन कैरी कर रहा है, फाइनली न्यूक्लियस कैरी कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, क्योंकि आप देख रहे हो जब अनडिवाइडेड सेल था तो जो डीएनए था वो एक तरीके के इंटेंगल्ड मासेस ऑफ थ्रेड के रूप में प्रेजेंट था, लेकिन जब ये डिवाइड होने जाता है तो जो आपका क्रोमोजोम होता है वो रॉड शेप्ड क्रोमोजोम के फॉर्म में डीएनए पृथक हो जाता है। तो आप कह सकते हो जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है उसमें न्यूक्लियस जो होता है, जो केंद्रक होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल, तो आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होता है दो अलग अलग सेल्स में। ठीक है, तो अब एक आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लो कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है उसके चारों तरफ, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो देखिए अगला पॉइंट इसमें मैंने लिखा है कि ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अब देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं या दूसरे ऑर्गेनल्स वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब नो मेम्ब्रेन, आप ऐसे याद रख लो, प्रोकैरियोटिक मतलब नो मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक मतलब मेम्ब्रेन। तो जिसके ऑर्गेनल्स या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होते हैं उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक, और जिसके ऑर्गेनल्स या न्यूक्लियस केंद्रक या दूसरे जो पार्ट होते हैं वो मेम्ब्रेन के द्वारा अगर बाउंड नहीं है तो उन्हें बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है कि ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, और यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बनाकर दिखा दिया है आपको, ये है आपका यूकैरियोटिक, और ये, और जो आपका दूसरा फिगर है उसमें देखिए आपको मिल जाएगा प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो ये दोनों ही फिगर आप एक बार यूटिलाइज कर लो बहुत इजी वे में। और जो यूकैरियोटिक है उसमें मैंने आपको बताया कि सारे ऑर्गेनल्स जो होंगे वो मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होंगे, जो आपको दिख रहा होगा मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी मेम्ब्रेन द्वारा इंक्लोज्ड है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर राइबोसोम्स हैं, ये सारे ही मेम्ब्रेन द्वारा इंक्लोज्ड है। पर वहीं पर अगर हम प्रोकैरियोटिक्स को देखें तो यहाँ पर आप देखो जो न्यूक्लियॉइड है यहाँ पर न्यूक्लियस क्लियर ही नहीं है कि कहाँ पर है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इस रीजन को न्यूक्लियॉइड। राइबोसोम्स को आप देख लो या कोई भी स्ट्रक्चर आप देखो तो ये मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड नहीं होते हैं, तो इनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो देखिए अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी सेल ऑर्गेनल्स।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म में क्या है वो आपका फ्लूइड कंटेंट होता है, ठीक है, और ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये आपका अगर कोई भी प्लांट से लगा ले लो तो ये आपका हो जाएगा सेल वॉल, इसके अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर होगा आपका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो ये एक तरीके का फ्लूइड कंटेंट होता है एंड इट इज़ फाउंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट ऑल्सो कंटेंस मैनी सेल ऑर्गेनल्स। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सारे के बारे में अच्छे से हम अभी डिस्कस कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। न्यूक्लियस तो नहीं होता है, बाकी ऑर्गेनल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। तो देखिए अब ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है याद कर लेना कि जो वायरस होता है उसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसके कारण वो जो लिविंग जो बॉडी है उसके अंदर इंटर करने के बाद ही कोई भी करेक्टरिस्टिक्स लाइफ की शो कर पाता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इसमें सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। कुछ नहीं है, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ वाला ईआर होता है वो रफ क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम में पर्टिकुलर इंडिविजुअली पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो आप इनको एज इट इज याद कर लो कि जो रफ वाला ईआर होता है वो रफ क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड, जो फैट एंड लिपिड के मैन्युफैक्चर में मदद करता है। तो इससे आप कह सकते हो कि फैट और लिपिड का यूज कहाँ होता है, फैट और लिपिड का यूज होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, ठीक है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी ये हेल्प करता है। और ये क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स एंड ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की तरह भी ईआर का जो मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। अब ईआर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग इसमें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। तो किस मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल प्रोवाइड करता है, ये स्पेशली प्रोटीन्स के लिए, ठीक है, याद कर लो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल प्रोवाइड करता है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर आपका ये चैनल कैसे देगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक एक चैनल बनाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये डिफरेंट चैनल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो कि लीवर सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के जो लीवर सेल्स होते हैं उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, किसमें, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग, बहुत सारे ड्रग्स और पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाइंग करने में, आप कह सकते हो डिटॉक्सिफिकेशन में उनके मदद करता है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो अगला हमारा गोल्गी एपरेटस, इसको भी मैंने आपको विजुलाइज करा रखा है शुरू में ही। तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड आप कह सकते हो वेस्कल्स होता है और इट इज़ अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू इच अदर, ठीक है, पैरेलल टू इच अदर, एक मतलब पैरेलल बिल्कुल समानांतर अरेंज होते हैं सेल के अंदर स्टैक्स के फॉर्म में, जिनको आप सिस्टर्न भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं एज इट इज़, आप इनको याद कर लो। इसके कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है गॉल्गी एपरेटस के, कि ये स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है वेस्कल्स के अंदर, और आप कह सकते हो जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उनको बनाता है सिंपल शुगर से, ठीक है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है और साथ ही लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है गोल्गी एपरेटस का। तो अगला पॉइंट है हमारा लाइसोसोम का, ये भी एक डिफरेंट ऑर्गेनल है, इसको आप पहले याद कर लो कि सुसाइड बैग कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, पहले आप मैं इसको बता दूं कि है क्या, इट इज़ नथिंग बट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है, आप कह सकते हो कि ये डस्टबिन है, सेल का डस्टबिन है लाइसोसोम, ठीक है, इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, इट हेल्प्स इन द क्लीनिंग ऑफ सेल, सेल की क्लीनिंग में मदद करता है बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, कोई भी बाहर से मटेरियल लगाया जाता है सेल के अंदर तो उसके डाइजेस्टिंग में मदद करता है, एज वेल एज वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, कोई भी ऑर्गेनल है, ठीक है, अगर वो खत्म हो रहा है तो उसको भी डिकम्पोज करने में ये मदद करेगा, ठीक है, डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। तो ये ऐसा कर कैसे पाता है, लाइसोसोम के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये जो वेस्ट होते हैं उनको डिस्पोज कर देता है। तो देखिए इसमें एक बहुत ही खास तरीके का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, और वो एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आप कह सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, ठीक है। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं दे आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को तोड़ देते हैं जो एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, इसलिए इसको डस्टबिन कहा जाता है, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है। तो अब देखिए
ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबोलिज्म, जब सेलुलर मेटाबोलिज्म होता है तो अगर उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होगा तो जो लाइसोसोम होगा वो भी फट सकता है, ठीक है। तो जब वो फट जाएगा तो इसके जो एंजाइम होते हैं वो ही इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको क्या पता है कि इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं बहुत ही पावरफुल हैं। तो अब जब ये ब्रस्ट करेगा तो इसके जो हैं पार्ट, जो लाइसोसोम का पार्ट है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को भी, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिल को भी ये जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसको आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसके अंदर का एंजाइम इसको ही डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, फटने के केस में। तो यही इसे होता है लाइसोसोम। इसके बाद इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में इतनी बातें इंपॉर्टेंट हैं। आगे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है फ्रेंड्स, उसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी एनर्जी रिक्वायर है सेल में, ठीक है, सेल जो कोशिका है उसको जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता है केमिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, वो सारी एनर्जी कौन रिलीज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे एटीपी का फुल फॉर्म लिख करके बता दो, ठीक है। तो ये देखो, जो आप कह सकते हो कि जो एटीपी होता है उसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो एटीपी होता है उसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका इकलौता ऐसा ऑर्गेनल है जो दो मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, ठीक है, एक के बजाय। एक तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद डबल मेम्ब्रेन किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। इन विच जो आउटर वाला है ये पोरस होता है और जो इनर वाला है वो डीपली आप कह सकते हो फोल्डेड होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक डीएनए होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इसलिए आप कह सकते हैं दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। जो डीएनए और राइबोसोम है वो प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो आप कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन बना सकता है। अब देखो फ्रेंड्स, अगला है हमारा प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो होता है ये आप कह सकते हो दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। दो तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। और अगर ये प्लास्टिड जो होते हैं अगर वो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करते हैं, ऐसा कोई प्लास्टिड जो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करेगा तो उसे हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि हेल्प कहाँ करेगा? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पता होंगी। अब देखिए, जो वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। देखिए आप यहाँ पर एक बार और विजुलाइज कर लो, ये मैंने आपसे कहा था कि प्लांट सेल का जो प्लांट का जो सेल है उसको मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो देखिए ये आपका प्लांट सेल है, इसमें यहाँ पर ये आपका साइटोप्लाज्म है, उसके बाद गॉल्गी वेसल है, ये क्लोरोप्लास्ट, देखिए यहाँ पर जो क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है सिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। वैक्यूल्स हैं आपके यहाँ पर, ये आपका वैक्यूल है, ठीक है। उसके बाद ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर आप देखो आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा, ये न्यूक्लियस है आपका। और भी सारी चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, अच्छे से आप विजुलाइज़ कर लो। सारी चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। लाइक जरूर करना वीडियो को, उसी से पता चलेगा कि वीडियो मेरा कैसा बना है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।